कल रात को हम लोग वृंदावन आए, आज सुबह सुबह हम लोग ने यहाँ पे दर्शन करने के रहे थे। हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर इतना अच्छा मंदिर बनाया, इतना। और मैं इतने साल से हम लोग, मैं एक्चुअली मेरे को आना था, हम लोग नाथद्वारा बहुत जाते थे, मैं नाथद्वारा साल में 2-3 बार जाता था। मैं मथुरा वृंदावन मेरे को आना था, तो ये टाइम फर्स्ट टाइम मेरे को चांस मिला है। तो मेरा थैंक्स टू माई फ्रेंड, वो आया है, उसने बोला कि अपन ऐसा एक रोड ट्रिप बना दे, उस चक्कर में आ गए। उसको तो सिर्फ आगरा जाने का था, मगर फिर भी मैं बोला कि नहीं, अभी आगरा तो लगाए तो मथुरा वृंदावन तो करना ही करना है, तो मथुरा वृंदावन आने का था। अभी हम लोग अभी वृंदावन में, इतना दिल खुश हो गया, वृंदावन का जो एटमॉस्फियर है मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ऐसे मेरे को दिल से इतना खुशी हो रहा है आके इधर। और यहाँ पे अभी तो मैं सुबह अभी गया था, यहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण का टेम्पल था, उधर गया था। उधर से अभी हम लोग जाएंगे, आज अभी ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे बाकी बिहारी मंदिर, तो उसके बाद में हम लोग जाएंगे प्रेम मंदिर, और फिर उसके बाद में गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, जो उसको, और उसमें बीच बीच में जो जो विलेजेस आएंगे वो एक्सप्लोर करेंगे, और बीच में 2 गौशाला रही, और एक गौशाला मेरे को सुनने में आया यहाँ पे कि वर्ल्ड की बिगेस्ट गौशाला है, जो अभी गौशाला तो मिला सिर्फ 55,000 काउज है वहाँ पे इसमें वेबसाइट पे तो मैंने पढ़ा है, अभी जाके देखते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे शाम का आरती बहुत अच्छा होता है, ऐसा मैंने उनके वेबसाइट पे पढ़ा है। अभी इतनी बड़ी गौशाला, मैं इधर आया, मेरे को तो क्या मालूम, मेरे को तो पता भी नहीं था इतनी बड़ी गौशाला भी हो सकती है। 55,000 काउस किसको बोलते हैं, अभी उधर जाके एक्चुअली में देखते कितने काउ है। अभी वो तो फिगर दिया होता है उसमें, कभी बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है डेथ रेशियो के हिसाब से, मगर फिर भी इतनी बड़ी गौशाला बहुत बोल रहे हैं। तो वो अपन देखने जाएंगे, और यहाँ से अपना ये जतिपुरा जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, और आजू बाजू का एरिया एक्सप्लोर करें, मथुरा जाएंगे, आजू बाजू का एरिया सब एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और इतना, आप इधर आओ, इतना ऐसा लगता है माइंड फ्रेश, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और एटमॉस्फियर, यहाँ का एटमॉस्फियर ही इतना प्लेजेंट है ना, जैसे राधे राधे, तो यहाँ का एटमॉस्फियर ही इतना प्लेजेंट है, तो इधर कुछ मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं एक्चुअल में। ये यहाँ पे आश्रम है रहने के लिए, MVT गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। अभी हम लोग गए थे वहाँ पे सुबह ना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्या ब्रेकफास्ट था, बहुत मज़ा आ गया, मीन्स एक्चुअली क्लीन एंड हाइजीनिक बहुत अच्छा था मिला। चाय अलग टाइप का था इधर, गोकुल टी बोलते हैं, उसमें नो कैफीन नथिंग, और हनी के साथ रहता है, और साथ में सैंडविच और हम लोग ने खाया, बहुत बहुत अच्छा था। पूरी भाजी और अपना आलू परोठा, और फॉरेनर्स के लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट और सब था ऑप्शंस। तो मगर एक है कि प्योर वेज, नो ऑनियन नो गार्लिक, मगर मज़ा आता है खाना, मीन्स आप आओ इस साइड तो एक बार उधर नाश्ता करना, खाना खाना, मीन्स आपको क्लीन हाइजेनिक और अच्छा एम्बियंस वम्बियंस सब कुछ सही है, मज़ा आएगा। ये आप देख सकते हो सब मिट्टी के ग्लास है, यहाँ पे जितने भी पूरे वृंदावन में आप जाओगे, ये मेरे को बहुत मज़ा आया कि आप किधर भी जाओगे तो आपको चाय, रात को दूध भी मिलता है यहाँ पे, दूध दिन में भी मिलता है, दूध हॉट मिल्क, वो सब ये मिट्टी के बर्तन में देते हैं, मिट्टी के ग्लास में, उसका टेस्ट कुछ अलग है, मज़ा आता है एकदम नेचुरल। वृंदावन में इतने सारे मंदिर है, यहाँ पे बोलते घर घर में मंदिर है। भाई मैं तो आज से 20 साल पहले आया, तभी उस टाइम पे मेरे को बोले यहाँ पे 5,000 से ज्यादा मंदिर है, हर घर में मंदिर है। तो अभी तो अपन जाएंगे यहाँ पे बाकी तैयारी और प्रेम मंदिर में, पहला प्रेम मंदिर जाएंगे।
मंदिर में अपन आए, अंदर एंट्री लिया अपन ने। ये कृष्णा की लीला बताई यहाँ पे, जो कालिया नाग के ऊपर नाचे थे। कृष्णा की सब लीलाएं यहाँ पे गार्डन में इन्होंने बनाई है। रासलीला राधा गोपी के साथ, जो सराउंडिंग वॉल्स पे भी पूरे पेंटिंग्स किए हुए। पूरे कृष्ण भगवान का पूरा लाइफ, पूरा स्टोरी सब यहाँ पे फोटोज में यहाँ पे पेंटिंग करके लगाया है इन्होंने। इसको जूम करता हूँ थोड़ा बहुत, देखोगे आप जैसे यहाँ पे मक्खन खा रहे कृष्ण भगवान। ये सामने भगवान की गोवर्धन लीला, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था अपनी छोटी उंगली पर। एक 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 चीज डिटेल में लिया है उन्होंने मंदिर बनाने में, सब कुछ ध्यान में रखा है। एक एक लीला को लिया है उन्होंने कृष्ण भगवान की। गोवर्धन पर्वत, आज उसी पर्वत के अपन परिक्रमा भी घूमेंगे अपन। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे, थोड़ा मंदिर से नजदीक आके मैं आपको बता था सब, जो जैसे वॉल पे सब पेंटिंग सर वो सब किया है। यहाँ पे आप कार्विंग देखो मंदिर का, क्या जबरदस्त है। इसे मैं इधर नजदीक आया हूँ थोड़ा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कृष्ण भगवान राधा जी के साथ इनका अलग अलग दिखाया है। ये सब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, ये उनका जन्म हुआ। फिर जब सब सो गए थे तो उनको उनके पिताजी वासुदेव वो कैसे जेल के कारागार में से निकल के लेके गए, फिर उन्होंने यमुना पार करवाया। उनका पूरा डिटेल, पूरा पेंटिंग किया उन्होंने और पूरा लाइफ हिस्ट्री उन्होंने बताया। ये देखो यमुना जी, वहाँ पे जब बदली अदला बदली किया था कृष्ण भगवान को वहाँ पे छोड़ के और उन्होंने वहाँ से माता जी को उठाया था। फिर कंस जेल में आया तो उसने कृष्ण को नहीं देखा, वहां पे माता जी को देखा। जब कंस ने माता जी को मारने का कोशिश किया तो पूरा लाइफ हिस्ट्री बताया।
तो कैसे भोलेनाथ कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आए, फिर उन्होंने तांडव नृत्य किया, पुतना आई, फिर पुतना को कैसे मार दिया कृष्ण भगवान ने। तो यहाँ पे यशोदा मैया के साथ ये मक्खन चोरी की लीला, जो जिसके लिए अपन वो जो हर साल दही हंडी करते हैं, जो पिरामिड बना के, ये उनकी लीला जो बहुत फेमस हो गई। उनकी सब लीला है, पूरा उन्होंने लाइफ हिस्ट्री पूरा इस पे पेंट किया है। काले अनार को कैसे हराया, उसके सिर पे नाचे, ये सब कृष्णा की लीला है सब। गिरिराज धरण, गिरिराज धरण की जय। ये मंदिर में उन्होंने फुल डिटेलिंग कृष्ण भगवान का फुल लाइफ स्पैन, लाइफ में उन्होंने क्या क्या लीला की, क्या क्या किया, उसका फुल उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, पेंटिंग करके, उनके वो स्टैचूज बना के। अभी तो ये तो मैं ये नीचे का लेवल दिखा रहा हूँ, ऊपर भी है, अभी इतना तो मेरा कैमरा भी जाएगा नहीं इतना ऊपर, मगर प्रेम मंदिर मैं आपको जितना दिखा सकता था उतना मैंने दिखाया है। अभी अंदर तो डिटेलिंग से मैंने जैसे बोला अंदर फोटोग्राफी अलाउड भी नहीं है और हम लोग करते भी नहीं है, मैं खास करके मैं नहीं करता हूँ, आप खुद आओ देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसा है अंदर से। बाहर से मैंने आपको दिखाया है, बाहर से इतना खूबसूरत है तो आप सोच सकते हो अंदर कितना कार्विंग और सब कितना होगा। और ये क्या है, वीडियो में देख के तो ठीक है, आपको पर्सनली जब आओगे तो ही आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस मालूम पड़ेगा। बस अभी यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अभी यहाँ से जाएंगे बांके बिहारी मंदिर, फिर मैं आपको वापस वहाँ पे वीडियो निकाले के देखते कैसा है उधर बताता मैं आपको। ये भगवान झूला झूले, मैंने बनाया ऐसा झूला भी झूल रहा है एक्चुअल में। थैंक यू।